Starting the first program in C++. Even though we have done the basics, so we are moving toward this. जब हम first program की बात करते हैं तब हम starting में बात करते हैं header files की, यानी कि हमें शुरू में एक header file use करना पड़ता है #include iostream.h. No, why iostream.h? Because iostream में जो दो main files work करती हैं उनमें एक रहता है cout और एक रहता है cin. ये दोनों ही iostream के parts हैं, तो इनकी जो definition है वो इस header file के अंदर रहती है. okay? तो इसलिए इसको include करना बहुत ज़रूरी है. Then after we have void main. और वी कैन राइट इंट मेन इन द केस ऑफ सी प्लस प्लस, वी ऑलवेज राइट इंट मेन. ये भी मैं डिस्कस करूंगा जब हम फंक्शंस में आएंगे, देन आई विल डिस्कस इन डेप्थ कि क्यों इंट और वॉइड लगाया जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने इंट मेन लिखा तो व्हाट दिस सिग्निफाइंग, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम. ये हमें बताएगा कि यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है. ओके, देयर आफ्टर वी नीड द बॉडी ऑफ मेन. और जब भी हम किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्रामिंग में हम किसी की बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी इस तरह मेंशन की जाती है. और जब भी कोई स्टेटमेंट के बाद हम बॉडी लिख रहे हों तो उस प्रोग्राम, उस स्टेटमेंट को एंड नहीं किया जाता सेमीकॉलन से. हेडर फाइल्स और जनरली आपकी बॉडीज ये कभी भी सेमी कॉलन से एंड नहीं की जाती है. नो वी वॉन्ट टू प्रिंट अ मैसेज ऑन स्क्रीन, वी कैन राइट सी आउट हैलो वेलकम, आई एम जस्ट राइटिंग दिस. ओके, तो इससे मैंने क्या लिखा कि मैंने एक प्रोग्रामिंग में लाइन लिखी सी आउट हैलो वेलकम एंड इसको हमें एग्जीक्यूट करना है. अब ये सारा काम करने के लिए हमें एक कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी. राइट, अब जब कंपाइलर्स की बात आती है, कंपाइलर्स बहुत टाइप के मार्केट में आएंगे. एन सी सी कंपाइलर होगा, विजुअल सी होगा, विजुअल कोड पे काम हो जाता है. राइट, उसके अलावा आपके पास टर्बो सी, द ओल्डेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाइलर्स. उसके अलावा ऐसे बहुत सारे IDE ऐप्स हैं जो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे, जिन पे आप ये सारा काम कर सकते हो. सिर्फ इनका वे काम करने का डिफरेंट होगा, लेकिन जो कोडिंग सिंटेक्स और कोर सिंटेक्स होंगे वो सेम रहेंगे. थोड़ा बहुत आपको अल्टरनेट्स दिखेंगे, बाकी डिट्टो सेम रहेगा. ओके, कुछ नए एंगुलर ब्रैकेट्स नहीं रखी होंगी जो हम हेडर फाइल्स के साथ लगाते हैं ताकि आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़े ना. कुछ ने ये डॉट एच भी लगाना मना कर दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहेंगी. हम जिस पे काम करने वाले हैं वो है टर्बो सी. ओके, इस पे अभी हम काम करने वाले हैं. इफ़ यू आर इन टू 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम यू नीड टू इंस्टॉल टर्बो सी फॉर 64-bit. तो जैसे हम यहाँ पे टर्बो सी लिखेंगे, सो वी हैव दिस विंडो हियर, सो व्हेन वी क्लिक ओवर इट इट विल बी अवेलेबल टू यू. नाउ वेट अ सेकंड, आई विल शेयर दैट स्क्रीन विद यू. I think it's now visible. Yes, sir. तो जब भी हम कंपाइलर की बात करते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाइलर फॉर सी एंड दैट इज टर्बो सी कंपाइलर. जब हम इस कंपाइलर को देखेंगे तो इस पर बहुत सारे मेन्यूज जो हैं ऊपर, बहुत सारे मेन्यूज लिखे जाते हैं और इन मेन्यूज में फर्स्ट लेटर जो है वो रेड से सिग्निफाई किया गया है. इसका मतलब ये है कि ये सारे मेन्यू ऑल्ट के साथ भी चल सकते हैं. आपके कीबोर्ड पे ऑल्ट की रहती है और अगर मुझे फाइल मेन्यू खोलना है तो फाइल का एफ रेड है, तो ऑल्ट के साथ एफ प्रेस करते ही ये मेन्यू खुल जाएगा. इतना ही नहीं, जो इसके आगे मेन्यूज हैं वो भी कोई ना कोई लेटर उनका रेड से लिखा गया है. तो यानी कि अगर मुझे न्यू ओपन करना है तो न्यू का एन रेड है, तो मैं सिर्फ कीबोर्ड से अब एन प्रेस करूँगा तो मेरा न्यू विंडो ओपन हो जाएगा. सिमिलरली आई कैन डू द सेम प्रोसेस अनटिल और अनलेस आई गॉट द ब्लैंक विंडो. सो दिस इज़ माई ब्लैंक विंडो नाउ. राइट, इसको मुझे स्क्रीन पे फुल साइज में लाना है. नीचे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस स्क्रीन के नीचे दी जाती हैं जिसमें आप मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं F10 से, मेक, कंपाइल, ओपन, सेव और
हेल्प नाम की कई सारी ऑप्शंस है। हमें इस स्क्रीन को बड़ा करना है क्योंकि इसमें जो है वो स्क्रीन फुल नहीं नज़र आ रही है। तो बड़ा करने के दो वेज होते हैं। बिल्कुल राइट साइड पे आपको ये एरो दिखेगा जिसको मैक्सिमाइज एरो भी कहा जाता है, जिसे फुल हो जाती है और जिसे मिनिमाइज की जाती है। इसके लेफ्ट पे ये जो ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप, ये क्लोज के लिए यूज़ किया जाता है, किसी को प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। नीचे ये जो ये विंडो दिख रही है आपको, ग्रैनुलर सी विंडो, ये यूज़ की जाती है जब कोई हमें आउटपुट, जब कोई हमें एरर मैसेज कुछ ऐसा आएगा तो ये नीचे इस विंडो में नज़र आएगा। तो हमें ये फुल स्क्रीन चाहिए तो हमारे पास ऊपर एक मेन्यू भी दिखता है इस तरह का, जिसका नाम है विंडो मेन्यू। तो इसमें लिखा है जूम करने के लिए, अगर आप जूम करना चाहते हो तो यू कैन प्रेस F5। तो इससे भी ये काम हो जाएगा, आपके कीबोर्ड पे आप F5 की दबाएंगे तो उससे भी ये काम चल पड़ेगा, राइट। अब हमें यहाँ पे अपना प्रोग्राम टाइप करना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोग्राम के बारे में। और जब आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप सबसे पहले सेव कीजिए अपने प्रोग्राम को रेदर देन टाइपिंग। तो सबसे पहले सेव करने के लिए नीचे आप ऑप्शन दे सकते हैं, हमारे पास F2 ऑप्शन रहती है। आप F2 कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे, सेव की विंडो खुल जाएगी। अब आप यहाँ पे सेविंग करने वाले हैं, सेव हो कहाँ रहा है तो नीचे आपको पूरा एड्रेस देता है, सी में TC में बिन नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर इस नाम से फाइल सेव होगी। बिकॉज मैं C++ में काम कर रहा हूँ तो मैं इस नेम को हटा दूंगा और इस नेम की जगह कोई नया नेम दूंगा, जैसे माई फर्स्ट प्रोग्राम। नेम भी आप छोटा बड़ा लेटर किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। साथ में हम लिखेंगे .cpp। कहाँ सेव हो रहा है अब ये? TC में बिन नाम के फोल्डर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर मेरे सेव हो रहा है। तो अब हमने ओके प्रेस किया, ये अब प्रोग्राम सेविंग में चला गया, ठीक है। अभी तक अगर हम इसको कंपाइल करने, सबसे पहले हमारा ज़रूरत क्या होता है, कंपाइल करना। नीचे आपको कंपाइल दिख रहा है, कंपाइल क्या करेगा, इस प्रोग्राम को मशीन की लैंग्वेज में बदल देगा। दूसरा, कोई आपने गलती की होगी उसको पकड़ेगा। तो अभी तो हमने कुछ लिखा नहीं, सो इफ यू डू अल्ट F9 देर इज नथिंग टू डू अबाउट इट, देर इज जस्ट ए सिंगल लाइन, दैट इज माई कर्सर इज हाईलाइटिंग। नीचे 1x1 लिखा है, दैट मीन्स आई एम इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओनली। अगर मैं अपना कर्सर आगे बढ़ाऊंगा तो कॉलम वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ ए टेबल, ओके। तो अब हम यहाँ पे बिगिनिंग करते हैं, हमेशा अपने प्रोग्राम के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले आप यूज़ करते हैं कमेंट्स। कमेंट्स जो होते हैं ये प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं होते हैं, यानी कि आप इसको प्रोग्राम में लिखेंगे ज़रूर लेकिन प्रोग्रामिंग में ये काउंट नहीं होंगे, यानी कि ये सिर्फ यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के बारे में, प्रोग्राम के बारे में समझने के लिए, ठीक है। अगर आप किसी को समझाना चाहते हो कि ये लाइन मेरी क्या कर रही है या इस लाइन का क्या बेनिफिट है इसमें यूज़ करने का, तो आप कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम का टाइटल लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप एक लाइन का कमेंट लिख रहे हैं तब डबल स्लैश से, डबल फॉरवर्ड स्लैश से ये काम किया जाता है। अगर आप एक पैरा, बहुत बड़ा पैरा लिखने वाले हैं इसके ऊपर, तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि कमेंट जो है वो ऊपर तक ही काम करेगा। अब कलर ये बता रहा है कि ये कमेंट है, लेकिन जैसे मैं नीचे लिखूंगा तो इसका कलर डिफरेंट हो गया, तो ये बता रहा है कि ये कमेंट का पार्ट नहीं, क्योंकि ये डबल स्लैश से सिर्फ एक सिंगल लाइन कमेंट ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत बड़ा कुछ लिख रहा है प्रोग्रामिंग के बारे में तो देयर इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट्स, तो आप उसको फॉरवर्ड स्लैश एस्टरसिक्स सिंबल से स्टार्ट करेंगे और एस्टरसिक्स फॉरवर्ड स्लैश से खत्म करेंगे। इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो सब कमेंट माना जाएगा, क्योंकि आप मल्टी लाइन्स में कमेंट लिख सकते हैं। फिलहाल तो हम जो लिखने वाले हैं वो है प्रोग्राम के बारे में, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्रोग्राम टू से हेलो इन C++। ओके, आई एम जस्ट सेविंग इट बाय प्रेसिंग F2 अगेन, ओके। तो अब इस प्रोग्राम के टाइटल लिखने का बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई सेकंड पर्सन भी आएगा, या आप भी कल को ये प्रोग्राम खोल, लेट अस सपोज यू सेव्ड इट विद ABCD समथिंग, आप भी कल को इसको प्रोग्राम को दोबारा ओपन करोगे तो आप टाइटल से समझ जाओगे कि प्रोग्राम मैंने किसके लिए बनाया हुआ था, किस चीज़ के लिए इसको बिल्ड किया गया, ठीक है। कौन सी डेट को बनाया, ईयर को बनाया, ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल्स आप बता सकते हैं। अब सबसे पहला जो हिस्सा हमारे पास प्रोग्रामिंग में रहता है वो रहता है अपने प्रोग्राम को लिंक करना, दैट इज लिंकिंग सेक्शन, दैट इज हैश इंक्लूड, और हम यहाँ पे उन फाइल का नाम लिखते हैं जिसके साथ हमें इसे रिलेट करना है। We want to attach this program
विद दिस फाइल। अब हैश लिखने का क्या बेनिफिट हुआ, ये प्रोग्राम अभी ही जुड़ चुका है, यानी कि हैश को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, यानी कि ये प्रोग्राम मेरे रन होने से पहले, कंपाइल होने से पहले ही जुड़ चुका है। जैसे मैंने इसको हैश इंक्लूड iostream.h लिखा, तो iostream.h के अंदर जो भी किसी की कोडिंग पड़ी है वो सब इस प्रोग्राम में उठ के आ गई। चलो अब इसके अंदर देखते हैं कि ऐसा इसके अंदर पड़ा क्या है। तो इसको देखने के लिए हम इस पाथ पे पहुंचते हैं जिसका नाम है इंक्लूड एंड iostream.h। अब ये इंक्लूड फाइल्स होंगी कहाँ पे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेरा इंक्लूड फोल्डर कहाँ है, ये मेरी iostream कहाँ पड़ी है। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में यहाँ पे एक ऑप्शंस विंडो रहती है, इसके अंदर अगर हम ये डायरेक्टरीज देखें, डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर्स देखें जिन फोल्डर्स से ये काम कर रहा है, तो आपको पता चलेगा सी ड्राइव के अंदर एक टीसी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर है इंक्लूड नेम का। तो ये जो है ये सी ड्राइव के अंदर से सारा काम चल रहा है, आप समझ रहे हो ये चीज। yes. ठीक है, तो हम अब अपनी सी ड्राइव को ओपन करते हैं। सो लेट अस मूव टू सी ड्राइव, दिस इज योर दिस पीसी जिससे आप माई पीसी ओपन करते हैं, दिस इज योर सी ड्राइव। इसके अंदर आपको ये टर्बो C4 नाम का फोल्डर नजर आएगा, दिस इज टर्बो C4, इसको ओपन करते हैं। देयर इज ए फोल्डर नेम्ड TC, ठीक है, दिस इज ए फोल्डर नेम्ड TC। अगर हम इसको ओपन करें, सो हियर वी हैव ऑल द फोल्डर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। वन इज बिन, जिसके अंदर हमारा वो प्रोग्राम सेव हो रहा था जिसका नाम था माई प्रोग्राम, माई फाइल, माई फर्स्ट प्रोग्राम, यू कैन सी माई फर्स्ट प्रोग्राम .c, ये वही प्रोग्राम है जो अभी हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको राइट क्लिक करके अगर मैं एडिट करके दिखाऊंगा तो आपको शायद ये नज़र आएगा कि ये वही प्रोग्राम है जो अभी हम टाइप कर रहे थे, अभी हमने सेव नहीं किया तो इसमें खाली नज़र आ रहा है। ठीक है, इंक्लूड, इंक्लूड इज द अनदर फोल्डर विच वी आर टॉकिंग अबाउट, और इंक्लूड में जनरली क्या रहता है, हेडर फाइल्स रहते हैं। सो लेट इज ओपन इंक्लूड, तो इसके अंदर आपको सभी हेडर फाइल्स नज़र आएंगी जो आप सी या सी प्लस प्लस में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इनमें एक हेडर फाइल जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो थी iostream.h। अब इसका नाम मैं चेंज करके अपने नाम से भी रख सकता हूँ और उसी को मैं प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इन सभी हेडर फाइल्स को कुछ ना कुछ नेम दिए गए हैं और वो इनके पर्पस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अब iostream.h को एडिट करें तो इसके अंदर आपको इसकी कोडिंग नज़र आएगी जिसमें बहुत सारी कोडिंग, बहुत सारी चीज़ों की गई है। और हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इसके अंदर कोडिंग सी इन की गई है और सी इन इसके अंदर डिस्क्राइब्ड है, यू कैन सी एक्सटर्न iStream विद साइन सी इन। ठीक है, इसी के अंदर सी आउट की कोडिंग की गई है और इसके अंदर वो असाइंड है। ओके, सो दीज आर डिक्लेयर्ड विद इन योर दीज हेडर फाइल्स। अब इतनी बड़ी फाइल को अगर आपको पहले अगर कोडिंग करनी पड़ती सी इन सी आउट की, सो मे बी यू नीड टू टाइप इन दिस वे, पहले सी इन सी आउट की कोडिंग करते फिर सारा काम करते, लेकिन ये सारा काम वो पहले कर चुके, राइट। आपको बस ये फाइल को अपने कंपाइलर के साथ जोड़ना है तो आपका सी इन सी आउट काम करना शुरू कर देगा। तो अब हम देखें अपने कंपाइलर के अंदर जाके, वी नीड टू मैक्सिमाइज इट, दैट इज विद ऑल्ट एंटर। तो हम अपने कंपाइलर में जाते हैं, तो हमने अभी तक जो शॉर्टकट्स किए वो भी मैं आपको साथ में समराइज कर देता हूँ। हमने एक शॉर्टकट कहा कि हम सेव करने के लिए यूज़ करते हैं F2, जूम करने के लिए यूज़ करते हैं F5, जूम यानी कि मैक्सिमाइज। क्लोज अगर आपको करना है अपना प्रोग्राम तो आप यूज़ कर सकते हैं Alt F3। देखो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सारे मेन्यूज ऊपर बने हुए हैं, किसी भी मेन्यू में जाओगे आपको शॉर्टकट्स अवेल हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये लिखा तो मुझे अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है। आई वॉन्ट टू सी दिस कि क्या मेरे वो हेडर फाइल, क्या ये जो iostream.h है क्या मेरे प्रोग्राम में अटैच होगी या नहीं। ठीक है, तो अभी तक मैंने कहा था कि अगर हम ये हेडर फाइल लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी ये फाइल उसके साथ अटैच हो चुकी है। तो लेट अस कंपाइल दिस विद Alt F9। तो जैसे मैंने कंपाइल किया, यू कैन लुक एट द लाइंस कंपाइल्ड, कितनी लाइनें कंपाइल हुई हैं, 886, और वार्निंग जीरो हैं, एरर भी जीरो है, टोटल मेमोरी अभी तक अवेलेबल मेरे पास नीचे शो हो रही है। ठीक है, ओके, तो अब हमने कंपाइल किया तो ये .cpp फाइल थी, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये एक ऑब्जेक्ट फाइल भी बन जाएगी, यानी कि कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को
लो लेवल लैंग्वेज में बदल गए। तो हमने जब ये आई यू स्ट्रीम डॉट एच लिखा तो कितनी लाइनें आ गई इस प्रोग्राम के अंदर, 886। अब हम तो इस वक्त 9th लाइन पे हैं, तो इसका मतलब है 886 में से अगर आप 9 माइनस कर देंगे सो यू विल गेट अबाउट 879 लाइंस हमारे पास वहां से उठ के आई है, यानी कि आईओ स्ट्रीम डॉट एच फाइल मेरी उठ के इस प्रोग्राम में एम्बेड हो गई, इस प्रोग्राम में जुड़ गई। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन आता है वो आता है मेन सेक्शन। वैसे सब प्रोग्रामिंग भी रहता है पर अभी हम उसका यूज नहीं कर रहे। मेन को निकलने के लिए हम यूज करते हैं इंट मेन, राइट, क्योंकि अब इसकी बॉडी होती है तो इसीलिए इसको सेमी कॉलन से बंद करने की जरूरत नहीं है। यू कैन टाइप ओनली इन दिस वे लाइक इंट मेन, एंड देन वी नीड टू यूज द फंक्शन टू प्रिंट आउटपुट। अब हम आउटपुट यानी कि स्क्रीन के ऊपर हम कुछ आउटपुट लाना चाहते हैं। मैंने कहा था हमारी प्रोग्रामिंग के दो ही पर्पस होते हैं, एक इनपुट लेना और दूसरा आउटपुट देना। अब अगर हम स्क्रीन के ऊपर कोई आउटपुट चाहते हैं तो हम जनरली यूज करते हैं सी आउट स्टेटमेंट का, सी आउट इनबिल्ड स्टेटमेंट का, और इसके साथ कास्केडिंग सिंबल लगा के हम अपना मैसेज लिखते हैं, हेलो आई एम इन सी प्लस प्लस, इस तरह मैंने एक मैसेज लिखा। ओके, वी नीड टू सेव दिस, यस, एंड देन जब हमने इसको सेव कर लिया अब ये अपडेट हो गया, अब नीड टू कंपाइल दिस अगेन, सो लेट्स कंपाइल दिस अगेन। सो अब लाइन थोड़ी सी बढ़ गई, 893 हो गई, क्योंकि मैंने दो तीन लाइनें और लिख दी। अब उसने एक वार्निंग दी है यहाँ पे, देयर इज अ वार्निंग हियर, और उस वार्निंग को रीड करना बहुत ज़रूरी है। वार्निंग में लिखा है फंक्शन शुड रिटर्न ए वेल, यस, जब हम किसी फंक्शन के साथ कुछ लिखते हैं इंट समथिंग तो उसकी बॉडी में उसको कुछ रिटर्न करना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे वो मांग रहा है रिटर्न करो कोई भी इंटीजर, तो आप यहाँ पे 1 लिखो, 123 लिखो, ये लिखो, ये सब इंटीजर्स हैं, तो हम यहाँ पे जनरली रिटर्न 1 लिख देते हैं क्योंकि एक सिंगल स्टेटमेंट है, इसके साथ बॉडी नहीं है तो इसको सेमीकोलन से बंद करना ज़रूरी है। जिस स्टेटमेंट के बाद ये बॉडी रहेगी उसको सेमीकोलन से बंद करना ज़रूरी नहीं है। सो अब इसको हम रिकम्पाइल करते हैं, सो देर इज़ नो वार्निंग, देर इज़ नो एरर। तो अब हम इसको रन कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो रन करने के लिए हमारे पास ऊपर आप ये रन विंडो देखोगे, रन मेन्यू, तो यहाँ पे देखिए ये रन का ऑप्शन रहता है, कंट्रोल F9। सो अगर आप रन एंड कंपाइल इकट्ठा ही करना चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली डू रन, आप सीधा ही यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस F9 टू रन दिस। डिफरेंट कंपाइलर्स में टेक्निक डिफरेंट हो सकती है, टर्बो सी में कंट्रोल F9 यू विल यूज़, सो कंट्रोल F9 विल रन योर प्रोग्राम। सो हमने यहाँ से रन कर दिया, सो इट इज़ रनिंग राइट नाउ। ओके, लेकिन रन होके हमें आउटपुट नज़र नहीं आ रही, यानी कि जो आउटपुट आनी चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही, बिकॉज हमने ये सीखा था कि C++ जो है या C जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेज की तरह फास्ट एग्जीक्यूट होती है, यानी कि आपकी आई ब्लिंक होने से पहले आउटपुट नज़र आ जाती है स्क्रीन के ऊपर, तो इतनी जल्दी आउटपुट को हम देखें कैसे। तो हमारे पास दो अल्टरनेटिव इसके प्रोग्रामिंग में रखे गए। पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिसके ऊपर आउटपुट आने वाली है वो एक ब्लैंक स्क्रीन होती है, ब्लैक स्क्रीन भी कहते हैं उसको, और वो भी एक विंडो है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू बना रहता है, विंडो मेन्यू। अब हमें ये समझना है कि हमारी जो वो जो आउटपुट है वो कहाँ आएगी। जनरली जो आउटपुट है वो हमें लगता है कि इस विंडो पर नज़र आएगी, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें वो आउटपुट नज़र आ रही है ऊपर ही एक विंडो में, जो दो बार लिखा गया है, हेलो आई एम इन C++, हेलो आई एम इन C++, ठीक है। वन वे इज टू चेक दिस। अनदर थिंग इज कि जो हमारी आउटपुट आती है उसको हम कंसोल बोलते हैं या यूजर स्क्रीन बोलते हैं, तो हमारी आउटपुट यहाँ नजर आती है यूजर स्क्रीन पे, तो हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हमें वो फुल स्क्रीन आउटपुट नजर आ रही है कि हमने दो बार प्रोग्राम को रन किया तो दो बार वहाँ पे ये नजर आया। अब इस विंडो को खोलने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट बताया गया था कि हम ऑल्ट F5 यूज़ कर सकते हैं ताकि हम आउटपुट देख सकें। तो अगर आपको यूज़र स्क्रीन देखनी है तो आप किसी भी वक्त अपने प्रोग्राम में ऑल्ट प्लस F5 का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप आउटपुट देख सकें, ठीक है। सो इफ़ यू क्लिक ऑल्ट F5 यू कैन चेक आउटपुट एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट। नो दिस इज टू टाइम्स आउटपुट, वी नीड इट ओनली वन टाइम बिकॉज हम रन कर रहे हैं तो पुरानी आउटपुट भी वही रह रही है, नई आउटपुट भी वही रह रही है। तो इसके लिए आपके सी और सी प्लस प्लस में एक स्टेटमेंट यूज़ की जाती है क्लियर स्क्रीन, जो ये काम करता है कि जो भी स्क्रीन के ऊपर लिखा होगा वो क्लियर हो जाएगा। अब इसको मैं यूज़ कहाँ करूँ,
आउटपुट आने के बाद भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कि इसको मैं स्टेटमेंट के बाद भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी जो भी आउटपुट है वो भी साथ ही साफ हो जाए, तो मुझे तो स्क्रीन पे कुछ नजर ही नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ मेरी आउटपुट आने से पहले क्लियर स्क्रीन हो जाए, स्क्रीन क्लियर हो जाए, तो उसके लिए हमने क्लियर स्क्रीन उससे पहले लगाना है। अब हमें जनरली ये नहीं पता होता कि हमने क्लियर स्क्रीन लगाया क्या ये आईओ स्ट्रीम का पार्ट है, क्या ये इसी हेडर फाइल के अंदर लिखा जाता है या इसके लिए कोई और हेडर फाइल चाहिए। सो लेट अस चेक दिस। इसके लिए आप कर्सर जो है वो उस स्टेटमेंट, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बीच में रखेंगे और हेल्प मेन्यू पे जाएंगे और वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा टॉपिक सर्च। अगर आप इस टॉपिक सर्च पे प्रेस करेंगे यू विल गेट क्लियर स्क्रीन, क्लियर टेक्स्ट मोड विंडो एंड यू विल चेक इट कि किस हेडर फाइल के अंदर आता है, कौन आईओ डॉट एच के अंदर आता है। अब कौन आईओ डॉट एच क्या है, हम जो आउटपुट आते हैं स्क्रीन पे उसको कंसोल कहते हैं। तो कंसोल के ऊपर ऐसे जितने भी फंक्शंस हैं जो इनपुट या आउटपुट का काम करते हैं उनको कौन आईओ डॉट एच में रखा जाता है। क्लियर स्क्रीन कंसोल को क्लियर करता है, राइट, इट यूज टू क्लियर द कंसोल, क्लियर द कंसोल। तो जब कंसोल को क्लियर करता है या यूजर स्क्रीन को क्लियर करता है तो इसीलिए इसको कंसोल डॉट आईओ में रखा जाता है। तो हमें जब भी ऐसा कोई नया फंक्शन बीच में एम्बेड करना है तो उसकी हेडर फाइल को भी साथ में यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन कॉन आईओ डॉट एच में पड़ी है। अब जैसे ही मैंने ये हेडर फाइल बीच में लगाई तो एज आई सेड जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी, वो फिर से नए शामिल कर लेगा। सो लेट अस कंपाइल दिस एंड यू नाउ यू कैन सी 1044 लाइंस आर बीइंग कंपाइल्ड बिकॉज अब कॉन आईओ डॉट एच की भी वो सारी डेफिनेशन उठा लाया है। ओके सो लेट अस रन दिस अगेन, कंट्रोल F9, सो इट्स रन नाउ। अब हमें आउटपुट देखनी है, ऑल्ट F5, सो यू कैन सी नाउ द आउटपुट इज फॉर 110। अगर मैं इसको 50 बार भी रन करूंगा तो भी मेरे पास आउटपुट जो है वो एक बार ही नजर आएगी बिकॉज वो ओल्ड आउटपुट्स को क्लियर करता जा रहा है और न्यू आउटपुट्स को वहां पे रखता जा रहा है। ठीक है, क्या इन हेडर फाइल्स में एक ही फंक्शन है क्लियर स्क्रीन? नहीं, इनके अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पड़े रहते हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। अब क्या कौन आईओ डॉट एच के अंदर कितने ऐसे फंक्शंस हैं? तो हम सेम जो हमने क्लियर स्क्रीन के साथ किया था, हम कौन आईओ डॉट एच के बीच में अपना कर्सर रखेंगे, हेल्प पे जाएंगे, ऑल्ट एच विल हेल्प एंड टॉपिक सर्च विल बी टी। तो टॉपिक सर्च में आप देखेंगे कौन आईओ डॉट एच के अंदर ऐसे बहुत सारे फंक्शंस, ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं जो आप अपनी प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, चाहे वो ब्लिंक है, कलर्स है, चाहे वो आपका यहाँ पे क्लियर स्क्रीन है, चाहे वो गेट सी एच है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को यूज किया। आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल। यस सर। सो हमारी हुई वो दो बार प्रिंट हुई क्योंकि लिखी तो हमने एक ही बार सी। बच्चे जब फर्स्ट टाइम आपने रन किया उसको सो व्हाट हैपन कि उसने ये प्रिंट किया हेलो आई एम इन C++, तो वो उस स्क्रीन पर चली गई। वो जो स्क्रीन है वो एक कंसोल स्क्रीन है जहाँ से आउटपुट ऐसे क्लियर नहीं होती है। सेकेंड टाइम जब आपने रन किया तो प्रीवियस आउटपुट अभी वहीं पड़ी हुई थी और अगली आउटपुट उसके साथ अपेंड होती जाती है, ठीक है, क्योंकि वो टेक्स्ट मोड विंडो है, वो उसको कभी ब्लैंक नहीं करेगा ऑटोमेटिकली, वो बिना कमांड के क्लियर नहीं होती। सर मतलब अगर इसे बार बार हम रन करते रहते तो वो ऑलरेडी इंक्रीज होता रहता है? यस यस, नो लेट्स चेक दिस, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। विल रन दिस वन टाइम, ओके, अगेन वन टाइम, अगेन एंड अगेन, कितनी बार रन किया हमने? 4 times। सो लेट अस चेक आउटपुट। ओके अब इसने क्लियर स्क्रीन रीबिल्ड कर दिया, वेट अ सेकंड, हम इसको रीबिल्ड नहीं करते हैं। लेट्स रन दिस, रन दिस अगेन, 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 सो लेट अस चेक आउटपुट। सो व्हाट हैपन, जितनी बार मैं एग्जीक्यूट करता जाऊंगा उतनी बार वो आउटपुट साथ साथ जुड़ती चली जाएगी। क्लियर आर्ची? यस सर। ओके आई थिंक सर रिटर्न 1 की जगह हम रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? एनी इंटीजर यू कैन राइट, एनी इंटीजर यू कैन राइट। बेसिकली प्रोग्रामिंग में इसका यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहां तक रन हुआ है या नहीं। अब ये इस तरह हो सकता है कि जैसे आपने यहाँ पे एक स्टार्ट लाइन रखी और आपने यहाँ पे कैंडिडेट को कहा कि आपको भागना है,
और आपको भाग के फिनिश लाइन तक पहुंचना है। अब आप स्टार्ट लाइन पे ये वेट कर रहे हो कि वो फिनिश तक, फिनिश से वापस आएगा आपकी तरफ को। अब वो पर्सन यहाँ से भागा, आर यू श्योर कि वो फिनिश तक गया होगा? वो हो सकता है वो यहीं से वापस आ जाए आपके पास। यू आर नॉट श्योर कि वो फिनिश तक जाएगा। सो आपको फिनिश पे कुछ तो ऐसा रखना पड़ेगा जिससे आपको ये सिग्निफाई हो। तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक टोकन टाइप रख दिया, या एक ऐसा क्लोथ रख दिया, या कुछ ऐसी बॉल रख दी कि जब आप फिनिश पे पहुँचोगे तो इस टोकन को उठा के वापस ले आना अपने साथ। तो जब आप वापस आओगे, अगर उसने आपको आके वापस वो टोकन पकड़ाया, तो आप ये समझ जाओगे कि वो एंड तक गया था। यही कहोगे ना आप? सो दिस इज व्हाट योर कंपाइलर्स डू। बेसिकली जो मेन होता है, ये कौन रन करता है, ये कौन कॉल करता है, ये कंपाइलर्स कॉल करते हैं। जब ये कंपाइलर ने इसको कॉल किया, तो वो क्रॉस चेक कर रहा है कि क्या आपका प्रोग्राम टिल एंड ऑफ द लाइन तक रन हुआ, क्या वो सक्सेसफुली रन हुआ। अगर वो सक्सेस के साथ रन होगा, तो नेचुरली है वो ये वन इस मेन को वापस पहुंचा देगा, यानी कि कंपाइलर के पास रिटर्न में क्या पहुंच जाएगा, जो भी आपने नंबर लिखा होगा वो उसके पास आ जाएगा। तो ये समझ जाएगा कि लास्ट टाइम आपका ये प्रोग्राम रन हो चुका था। अगर कहीं बीच में यहीं पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, कोई लाइट चली जाए, कोई हार्डवेयर कोई एरर आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो उस केस में वो कभी भी वन नहीं रिटर्न कर पाएगा, क्योंकि वो वहाँ पहुँचा ही नहीं। तो उस केस में वो ये समझ जाएगा कि लास्ट टाइम प्रोग्राम विद फेलियर रन हुआ था। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, क्लियर है अभी आर्ची? यस सर। मनिक? यस सर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी हम कल करेंगे, इससे थोड़ा एडवांस प्रोग्रामिंग में आएंगे। तो कल हम थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स पे भी निकलेंगे, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके।